सारे मजार के दिए आज ही सुलाओगी क्या? बस एक आओ। जिसके नाम के दिए जला रही क्या उसको पता भी है कि ये दिए जलाते हुए उसकी लौ से तुम अपनी उंगलियां भी जला लेती हो? वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हिद्दत ना, जब आग से खेलने का सोच ही गया है तो फिर जलने से क्या डर? मोहब्बत को बयान नहीं किया जाता, ये तो बहते पानी की तरह होती, चलती हवा की तरह, इस दिए की लौ की तरह होती, जो अपना रास्ता खुद ही बनाती। जल्दी करो, खाला नाराज हो रही है। मगर मैं तो ताई जी को बताकर आई थी। लेकिन उनको मौका चाहिए ना नाराज होने का। चलो चलो, बड़ी है, गुस्सा कर सकती, चलते हैं। कहाँ रह गई थी तू? कितनी देर हो चुकी? रात भर यहीं रहने का इरादा? नहीं ताई जी, वो मैं क्या नहीं नहीं लगाई, ये घर नहीं जाना, सारी रात यहीं रुकने का इरादा है क्या? और ये शाजी कहाँ है? आइंदा तो मैं किसी को साथ लाऊंगी नहीं, अकेली आऊंगी। चलो उसको देखते हैं किधर है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते, मेरी अम्मी परिंदों की तरह परों के नीचे बच्चों को छुपा कर रखती है, और अगर कोई जरा सा इधर उधर हो जाए तो बहुत शोर मचाती है। और ये तुमने अकेडमी आना क्यों छोड़ दिया? असल में ना अम्मी को शक हो गया था कि मुझे अकेडमी आते जाते कोई तंग करने लगा, इसीलिए मेरी अकेडमी जाना बंद करवा दी। और तो और कहती है कि भाई ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उससे पढ़ो। अच्छा तुम बताओ, कुछ लाए भी हो मेरे लिए या ऐसे ही आ गए? लाया हो ना। तो दिखाओ ना क्या लाया हो, जल्दी दिखाओ। ये देखो चूड़ियां और बालियां। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। बड़े वाले मॉल से लाया हूं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कहीं अम्मी ने देख लिया ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। फिर मिलते हैं, बाय। फरहत आपा, आप यहाँ? बस शाहजैन की आफियत के लिए मन्नत मानी थी, वो चढ़ाने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, जीते रहो। चले? हाँ चलो। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कितनी देर हो गई है? मैं अब्बा को खाना दे रही थी। अब्बा को तो तुम खाना रोज देती हो, लेकिन आज इतनी देर क्यों हो गई? तुम भूल गए, आज जुम्मे रात है और हम सब मजार जाते हैं, इसलिए। तो क्या जरूरत है रोज रोज मजार पे जाने की, दिए जलाने की? बताओ मुझे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, दिया जलाते हुए उंगली जली। कब तक दिए जलाती रहोगी? जब तक ऊपर वाला मेरी मुरादें नहीं पूरी करते। तुम तो ताई जी से बात नहीं करोगे, इसलिए मुझे ऊपर वाले को मनाने के लिए दियों का सहारा लेना पड़ता। ऊपर वाला मान गया तो इसका मतलब ताई जी भी मान जाएंगे। मान जाएंगे, अम्मी भी मान जाएंगे। मगर कब? जब अब्बा मेरी किसी और से शादी करवा देंगे या फिर कोई और आके मुझे ब्याह के ले जाएगा। ताई जी को तो जब देखो अब्बा को मेरे रिश्तों का मशवरा देती रहती है। कुछ नहीं, ना तो तुम्हारा कहीं रिश्ता तय होगा और ना तुम्हें मेरे सिवा कोई और ब्याह के लेके जाएगा।
मुस्तफा ने तुम्हें दिल से चाहा, इतनी आसानी से किसी और का नहीं होने देता, समझी तुम? लेकिन कभी ऐसा वक्त आया ना मुस्तफा, तो मैं अपनी जान। कबूलियत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, आइंदा कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। देख कर नहीं चल सकते क्या? मुझे तो नजर आ रहा है ये तुम हो जो कि बिना देखे भागते हुए टकरा रही हो मुझसे। क्या किया तुमने? मेरा इतना महंगा सूट तुमने तबाह कर दिया, जानती हो क्या कीमत है इसकी? जितनी भी कीमत हो, लेकिन किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगी ये बात? सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी दूसरे का नुकसान करके उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देना, ये हमारे माशरे में होगा। हाँ हाँ, आप तो किसी और प्लैनेट से ना, इस माशरे से तो है ही नहीं। मैं तो भूल ही गई। ये शर्ट इस्ते कर दूं? हाँ कर दो। सुनो, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, छुट्टी है। इसका मतलब सबीन भी नहीं गई होगी? हाँ। वैसे एक बात कहूं? क्यों? तुम तो बहुत ही डरपोक हो, मर्द तो बड़े दलेर होते हैं, अपने कॉल के लिए अपनी जुबान के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, और तुम किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हो कि कब वो आएगा और सब ठीक कर देगा। मोहब्बत की है, उसे हासिल नहीं करोगे? मैं डरपोक नहीं और ना ही कमजोर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कभी सोचा है कि परवाना आपके पास क्यों जाता है, जबकि वो तो जानता है कि वो जल जाएगा। मोहब्बत की जाती, सोची नहीं जाती मुस्तफा। तुम्हें क्या पता सोफी, तुमने मोहब्बत सोची होगी, लेकिन मैंने की है। बेड़ियां डाल देती है पैरों में तो कदम चलना मुश्किल हो जाता है। जब मोहब्बत करोगी जान जाओगी। हर कोई तुम जैसा खुशकिस्मत नहीं होता जो मोहब्बत भी करे और ऐलाने मोहब्बत भी। इधर तो लोगों की उम्र गुजर जाती और इजारे मोहब्बत नहीं किया जाता। मैं सारी दुनिया के सामने कह सकता हूँ कि मैं सबीन से मोहब्बत करता हूँ। अरे वाह, अब आशिक लग रहे हो तुम तो। लेकिन क्या अम्मी को मनाने में तुम मेरी मदद करोगी? सोबिया मुस्तफा की मदद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वक्त आए तो आजमा के देख लेना, श्योर डिस्प्ले कर लूँ। Thank you.
ये उसके बस का काम नहीं है। सही कहा तुमने, मोहब्बत करना मेरा काम है ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत जैसी बेकार और फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तो ना ही मैं उन लोगों में से हूं जो मोहब्बत के नाम पे बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के नाम पे गुजार देते हैं और उसके सिवा कुछ भी नहीं करते। मेरा काम पैसा कमाना है और पैसे में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी खरीद सकता है। बहुत घमंड है ना आपको अपनी दौलत पर, आप अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं मगर किसी की मोहब्बत किसी का इश्क नहीं। प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ बिकता है, बस खरीदने का फन आना चाहिए। मैं भी किसे बहस कर रहा हूं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त में मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूं और वक्त की कीमत का अंदाजा तुम्हें कहा? नहीं खुद को क्या समझते। क्या तुमने अरीशा की तनख्वाह बढ़ा दी? वजह पूछ सकता हूँ क्या? क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? पूरे ऑफिस को पता, लेकिन इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? कहीं तुम उससे तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट ऐसा है? वो अभी तक बैठी है, मैंने पूछा तो कहती है कि शाहजैन सर के साथ आज डिनर पे जाऊं। आखिर ये माजरा क्या है? मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मोहब्बत और पैसे के बीच में जीत किसकी होती है। तुमने अपनी उस कजन को अपने सर पे सवार किया, कहीं तुम उससे मोहब्बत तो नहीं कर रहे? ऐसा मोहब्बत पे बिलीव नहीं है मेरा, जानते हो तुम्हें। तो इस बात का मतलब तुमने अरीशा की तनख्वाह बढ़ाकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि मोहब्बत और पैसे की जंग में जीत हमेशा सिर्फ पैसे की होती है। ऐसा ही है। You are impossible. चलो, चलता हूँ। अच्छा सुनो, खालिद साहब को जाते वक्त डोनेशन का चेक दे देना, यूनिवर्सिटी वैसे भी तुम्हारे रास्ते में पड़ती है। ओके। क्या हुआ सोबिया, ये आवाज कैसी थी? अरे और ये सब क्या है? ये शीशा, शीशा कैसे टूट गया? पता नहीं, खुद ही टूट गया। तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है? किसने? मैं ठीक हूँ। सोबिया मुझसे झूठ मत बोलो, तुम ठीक नहीं हो। मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर? तुमने ये सब किया है ना, ये शीशा तुमने तोड़ा है ना? अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम नफीसा भाभी, आप तो आज बड़ी खुश लग रही हैं। बात ही खुशी की है, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना सबीन के लिए एक रिश्ता आया है। जी जिक्र तो किया था आपने।
तो वो लोग आज आना चाह रहे हैं। बल्कि अच्छा होगा अगर आप भी घर पे मौजूद हो तो। ये तो अच्छी बात है, रिश्ता भी मुनासिब है, आप उन्हें बुला लें फिर देखते हैं। और भाभी आप तो जानती हैं कि सबीन बिन माँ की बच्ची है, सारा बंदोबस्त आपको ही करना पड़ेगा। सौदा भाई कैसी बातें कर रहे हैं आपके? मैं जानती हूँ वो बिन मां की बच्ची है, लेकिन मैं हूं ना, सब इंतजाम मैं खुद देख लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। अच्छा सब दबाए मैं चलती हूँ। अच्छा माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है आपकी बच्ची। बिलाल के अब्बा ने तो मुझे मिठाई का डब्बा देके भेजा है और बोला है कि रिश्ता पक्का करके आना। बहन जी नजर का टीका लगा देती कहीं बच्ची को नजर ना लग जाए। बच्ची तो आपको पसंद आ गई, हमें और क्या चाहिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि सीधी फिर शादी की तारीख तय करते हैं। लड़का तो हमारा देखा भाला है, क्यों सफदर भाई? जी जैसे आपको बेहतर लगे भाभी। अरे बहन चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन कुछ वक्त तो चाहिए ना तैयारी के लिए, और फिर आप तो लड़की वाले हैं। अरे बहन जी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हमारी शादी की पूरी तैयारी है, अब बस आप शादी की तारीख तय कीजिए। अगर ऐसा है बहन तो अभी हम अंगूठी पहना देते हैं। जी जी क्यों नहीं। चलो बेटा। चलो ना, बच्ची शर्मा रही है। इजाजत है भाई साहब। जी बिस्मिल्लाह करें। अम्मी ये सब, ये लोग सबीन के रिश्ते के लिए आए हैं, यूं समझो कि रिश्ता तय हो गया। तो मेरे साथ बाहर आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें ये सब। बताती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो ना, चलो शाबाश। शाहज़ैन क्या बात है बेटा, रात को भी खाने में तुमने कुछ नहीं खाया, अब ये नाश्ते में भी कुछ नहीं खा रहे, परेशानी है क्या? नहीं
कोई परेशानी नहीं है सब ठीक है। अगर कोई परेशानी नहीं तो कोई उलझन जरूर है बेटा। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है और शाज़ैन, बच्चे अपनी माओ से ज्यादा बातें छुपा नहीं सकते। एक उलझन है तो सही। कैसी उलझन? ये तो फिलहाल मुझे भी समझ नहीं आ रहा, जब समझ में आएगा आपको जरूर बताऊंगा। देखो बेटा, हम दो लोग सुबह नाश्ता करते हैं और रात के खाने पर भी हम दो ही लोग होते हैं। इस घर में अगर बहू आ जाए तो तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी से बात तो कर सकूंगी ना, और तुम्हारी परेशानियां और उलझने सब दूर हो जाएगी। शाज़ैन बेटा, अगर कोई लड़की है तो बता तो मुझे। नहीं फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज़। नाश्ता तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये बिलाल की फुप्पो हैं, हैदराबाद से आई हैं। मंगनी में आ नहीं सकी तो इसलिए मैं इनको सबीन से मिलवाने ले आई हूँ। बहुत अच्छा किया। चलें अच्छा है, इस बहाने आप लोगों ने चक्कर तो लगाया। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नफीसा, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? असल में मेरे देवर की छोटी सी बच्ची है, पैदा होती उसकी माँ फौत हो गई। इस बेचारी के दाम पर बहुत एहसान है कि उसे दूध पिलाने आती है। क्या एक तवाइफ शरीफ जादे की बेटी को दूध पिलाने आती है? बस ये दिन देखना रह गया था। क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी, तो रोने का क्या फायदा है? बात ख्वाहिश की नहीं है सोफी, बात उस हकीकत की है जिसने आज मुझे झुलस कर रख दी, नापाक बना दिया। नापाक तुम नहीं, उन लोगों की सोच है जो ऐसा सोचते। और तुम लोगों की बातों पे कब से तवज्जो देने लगे? तुमने देखा नहीं सोफिया, वो लोग कैसे मुझे धुतकार कर चले गए जैसे मैं कोई अछूत हूं। आज समझ में आया मुझे कि ताई जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। किस्मत ने कितना बड़ा मजाक किया है मेरे साथ, इससे तो अच्छा था मैं पैदा होते ही मर जाती। लोगों की नफरत तो नहीं देखनी पड़ती मुझे। ऐसे मत कहो सबीन बेटा, तुम इस घर की रौनक हो। नहीं अब्बा, मेरे वजूद ने आपके इस पाकीज़ा घर को नापाक बना के रख दिया है। आपने मुझे मर जाने दिया होता, बल्कि आप मुझे आखिरी बार से मेरा गला दबा दे, मुझे जहर दे दे। मैं ये नफरत भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती, मुझे घिन आ रही है अपने आप से। ऐसे मत बोलो सबीन, तुम्हारी इन बातों से मुझे शर्मिंदगी हो रही है बेटा। मैं खुद को कसूरवार समझ रहा हूं, कौन समझाए इन लोगों को? अगर एक भूख से रोती हुई बिन मां की बच्ची को एक बुरी औरत ने दूध पिला दिया तो क्या बुरा किया?
ऊपर वाले के नजदीक माँ तो माँ होती है। जब वो माँ का दर्जा देते वक्त किसी शरीफ जादी और बुरी औरत में फर्क नहीं करता तो हम इंसान क्यों? मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मुस्तफा। तुमने तो कहा था अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी सांस तक लड़ोगी, अब क्या हुआ तुम्हें? फिर इतनी जल्दी हार कैसे मान ली तुमने? मेरे करीब मत आओ मुस्तफा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने का हक भी खो चुकी हूँ। मोहब्बत की जंग लड़ने से पहले ही हार गई। मत कहो सबीन, मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही मुकद्दस हो जितनी पहले थी। मुझे चाहने का हक मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं दे सकता। तुम कल भी मेरी पहली मोहब्बत थी और आज भी तुम मेरी पहली मोहब्बत। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हाथ मत लगा मुस्तफा, मैं नापाक हूँ। मेरी जात, मेरा वजूद नापाक है। राय जी बिल्कुल ठीक कहती हूँ कि मैं किसी भी तौर तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। पागलों वाली बातें मत करो सबीन, कि जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को गुनहगार क्यों समझती हो? कभी कभी गुनहगार होने के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं होता है मुस्तफा। साफ शफाफ पानी को नापाक करने के लिए गंदगी का सिर्फ एक कतरा भी काफी होता है। तुम भूल रही हो, आपे समझम हमेशा पाक और साफ रहता है। मैं आपे समझम नहीं हूँ मुस्तफा, नहीं हूँ मैं आपे समझम। कुछ भी कहो सके, लेकिन मैं हमारी मोहब्बत के लिए कभी हार नहीं मानूंगा, कभी। कहाँ चले गए थे शाहज़ैन? बता दूँ आपको, एक जरूरी काम से गया था। तो हो क्या जरूरी काम? हो जाता अगर कोई बीच में ना, बस यूं समझिए कि काम होते होते रह गया। बस बेटा, ये तो जिंदगी के साथ साथ ही चलता है। हर इंसान को अपने नसीब के सहारे ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बेटा जो काम नसीब में होना लिखा हो ना, वही होता है। नहीं मां, मैं इस नसीब को नहीं मानता। जो काम में करना गया था, अगर वो मेरे नसीब में ना भी होता, मैं अपनी ताकत से अपना नसीब बदल के उस काम को पूरा कर लेता। अच्छा ठीक है, कोशिश करके देख लो। सबीन, 8 बज रहे, टाइम देखो, आज चाचा जी ने नाश्ता भी हमारे पास किया है। सबीन।
सबीन, 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 चाचा जी, चाचा जी, वो सबीन, क्या हुआ सबीन? मुझे लग रहा है सबीन की गोलियां खा ली हैं। क्या? क्या? सबीन, 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 क्या हुआ है? सबीन, 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 मेरे ख्याल में इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। गोलियां दिखाओ मुझे। चाचा जान, सोफिया ठीक कह रही है, हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चाचा जान, इसे उठाएं प्लीज। इसके इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मुस्तफा। कैसे हो सकता हूँ? तो भैया, मैं तो इसे दुखों से दूर लेके जाना चाहता हूँ। कब? जब वो अपनी जान ले लेगी। यहाँ बहुत दुश्मन है तुम दोनों की मोहब्बत की। अब खाला जान को ही देख लो, वो तुम्हारी और मेरी शादी कराना चाहती है। कई बार वो मुझे बातों बातों में समझा चुके हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरफ मायल करूं। क्या? अम्मी, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? वाह मुस्तफा, मैं तो तुम दोनों की अपनी हूं। कितने आराम से तुमने मुझे तत्कार दिया। नहीं नहीं सोबिया, मेरा मतलब ये नहीं था। मोहब्बत मैं सबीन से करता। अगर मैं सबीन से मोहब्बत ना करता तो तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता। जैसे मैं तुमसे शादी कर लेती, तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। देखो इसको, आंखें बंद है उसकी, सो रही, ऐसे कि जैसे सोते हुए भी सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखती है। बेहतर यह है कि तुम चाचा जान से बात करो। फैसल, पागल तो नहीं हो गए? मोहल्ले में बदनाम करना चाहते हो मुझे तुम? मुझे पता है, घर पे कोई नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। और तो सबीन भी हॉस्पिटल में। लेकिन कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, सो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। बहुत डरपोक हो तुम। ऐसे कैसे चले जाऊं? इतना कीमती तोहफा लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या सच? चलो दिखाओ क्या लाए हो। अरे यहाँ नहीं, अंदर चलो। ये क्या बदतमीजी है फैसल, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बहुत शौक है ना तुम्हें जेवर का, इसलिए सोने की। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाऊंगा। आओ मेरे करीब आओ।
फैसल तुम्हें। हॉस्पिटल से कोई आ गया तो अब तुम जाओ यहाँ से। यार डर क्यों रही हो? चला जाता हूँ। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा चलो बैठो। हम तो मोहब्बत करते हैं ना, आज तो घर भर भी कोई नहीं है। हो क्या गया तुम्हें? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि शाहज़ेन कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है सबीन में? मेरा मतलब है कि हमारी जितनी हैसियत थी हम इलाज करवा रहे थे, तो वो इतना महंगा डॉक्टर बुलाकर वो क्या साबित करना चाह रहा है? यही साबित करना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत अमीर आदमी, जो एक हकीकत भी है। हाँ लेकिन इससे पहले कभी शाहज़ेन ने ऐसा तासुर दिया नहीं। उसके रवैये में ये तब्दीली मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात? साफ जाहिर है कि वो ज़रीन को पसंद करने लगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसमें कहने की क्या बात? जब मोहब्बत होती है तो खुद बोलती है। उसके रवैये जुबान बनकर खुद बोल रहे हैं मुझसे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? ज़रीन तो तुमसे मोहब्बत करती है। मैं क्यों परेशान हूं? मैं सबीन को और सबीन मुझे चाहती हूं, और हमारी मोहब्बत के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। शाहज़ेन नहीं, उसकी दौलत। ठीक है, शाहज़ेन तो शायद खुद नहीं आ सकती, लेकिन दौलत कभी कभी बहुत बड़े बड़े भरम देती है। सबीन बेटा। अब्बा आप। शुक्र है कि आज तुम्हारी शक्ल पे मुस्कुराहट तो आई। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पे इतना सुकून और इत्मीनान देखा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए। आपको कुछ चाहिए था अब्बा? हाँ मैं ये कहने आया था बेटे कि एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। ठीक है मैं लाती हूं।
क्या हुआ शाहजहां? मेरे बारे में सोच रहे? मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसों से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। नहीं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत खरीद के दिखाऊंगा। बहुत मोहब्बत करती हूँ ना मुस्तफा से, मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करती हूँ उससे। मैं तुमसे तुम्हारे मुस्तफा का इश्क खरीद के दिखाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तुम ये कोशिश भी करके देखो, लेकिन तुम्हें नाकामी की सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा शाहजहां। वैसे एक बात तो बताओ शाहजहां, तुम मुझे क्यों हासिल करना चाहते हो? मुझे मुस्तफा से क्यों छीनना चाहते हो? क्या मुझसे मोहब्बत करने लगे? मुस्तफा? जी अब्बा। क्या मैं चाह रहा था कि तुम आज ऑफिस की छुट्टी कर लो। सब खैर तो है बा? हाँ देखो ना, दो रोज के बाद तुम्हारी शादी है, कुछ तैयारियां तो करनी है ना। और ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, मैं चाहता हूँ तुम इन बच्चियों को लेकर जो वो कहें उनको शॉपिंग करा देना, शादी की तैयारी के लिए। और हाँ, किसी किस्म के पैसों की फिक्र मत करना। थैंक यू अब्बा। वैसे तो ये पैसे तुम्हारी माँ को मुझे देने चाहिए थे, लेकिन मैं जानता हूँ वो सबीन के साथ जाने पर राजी नहीं होगी, और फिर न जाने कोई फसाद खड़ा हो जाए तो इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ही उसे हिदायत दे। इंशाल्लाह। ठीक है अब्बा, फिर मैं ऑफिस में फोन करके बोल देता हूँ कि तबीयत खराब है। ठीक है, बैठे आप। थैंक यू। क्या हुआ सोबिया, किसे तलाश कर रही हो? किसी को नहीं, मैंने किसको तलाश करना है? वैसे भी मैं कौन सा सबीन हूँ जिसके लिए दो दो लड़के शादी के लिए मरे जा रहे हैं। ये वाला देखो कैसा लगा तुम्हें। हाय हाय, क्या हो गया? मैं बताती हूँ कहाँ से लेना तुम। चलो चलो, आप बताओ। ये अच्छा है ना? नहीं इधर आओ, ये अच्छा, ये देखो। हाँ ये तो बड़ा प्यारा ड्रेस है। सोबिया, 4 लाख का जोड़ा, इतना महंगा? तो शादी का जोड़ा कौन सा रोज रोज लोगी तुम, एक ही बारी तो आना है। हाँ ये तो बहुत महंगा है, ये मैं नहीं खरीद सकता। हाँ तो सबीन के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? सी बात नहीं है सोबिया, अगर मेरा बस चले तो दुनिया की सारी दौलत लाके सबीन के कदमों में बिछा दूं। जोड़ा खरीदने की फिलहाल औकात नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे पास तो हैं। मैं खरीद सकता हूँ ये। इनके साइज में जोड़ा पैक करना। ओके सर।
यहाँ हूँ, मेरी तरफ क्यों देख रहे सारे? वे इसे मेरी तरफ से समीन की शादी का सोच तोहफा समझ लो ना। I'm sorry, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोगों पे नजर पड़ी तो मैं चला आया। मुझे जोड़ा नहीं चाहिए। मैं अपनी शादी पर मुस्तफा की पसंद का जोड़ा पहनूं। मुस्तफा की वजह से मना कर रही हो तुम? नहीं, मुझे इतने महंगे जोड़े पहनने की आदत नहीं है और मैं ये महंगा जोड़ा पहनकर अपनी आदत खराब नहीं करना चाहती। चलो आओ मुस्तफा, आओ सो भी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो मेरी तो है ना, मैं खरीद सकता हूँ ये। मुस्तफा, चाय। चाय क्यों? अब्बा के लिए बनाने आए, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। तुम्हें डर नहीं लगा? अम्मी ने देख लिया तो? डर किस बात का? अब तो हमारी शादी होने वाली है। तुम थके होगे ना? थकन कैसे? इतनी शॉपिंग जो कराई आज तुमने मुझे। कैसी शॉपिंग? शॉपिंग तो शाहजहान जैसा शख्स करवा सकता है। जिस चीज पर नजर पड़ी उसे खरीद लिया, प्राइस टैग देखने तक की जरूरत नहीं। वो दुकान पर पड़ी चीजें तो खरीद सकता है मुस्तफा, मगर किसी का दिल नहीं, क्योंकि रुपये पैसे से ना तो मोहब्बत को खरीदा जा सकता है और ना ही मोहब्बत करने वाले। लेकिन मोहब्बत करने वाले की तजलील जरूर की जा सकती है। मुस्तफा, तुम क्यों बिला वजह उसके लिए अपना दिल जला रहे? हमें ना तो उससे और ना ही उसकी दौलत से कोई फर्क पड़ता है। तुम हमेशा एक बात याद रखना मुस्तफा, कि सबीन तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। जानता हूं। चाय पी। अब आपका न्यूज़पेपर। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे बेटे आओ बैठो। तुम बेटे इतने सुबह सुबह को, खैरियत तो है ना? जी मामू, इस वक्त नहीं आता तो काफी देर हो जाती है। देर हो जाती? मैं समझा नहीं बेटा। मामू, मैं सबीन से शादी करना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते आपा के साथ पूरी बात कर चुका हूँ बेटा, तुम्हें तो इस बात को तो पता है। मामू, मैं जानता हूँ यह बात कि मुस्तफा और सबीन का रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दोनों का रिश्ता खत्म करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं शाहजहान? नहीं करनी मुझे आपसे शादी, मैं मुस्तफा से मोहब्बत करती हूं, ये बात आपको समझ में नहीं आती? अमूजान, एक ब्लैंक चेक है, इसे मैंने साइन कर दिया है। आप जितनी चाहे रकम इसमें लिखना चाहते हैं आप लिखते हैं, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो मैं सबीन के नाम प्रॉपर्टी भी कर सकता हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझें, मैं सिर्फ प्रूफ करना चाहता हूं कि मैं लॉयल हूं सबीन के साथ।
और जहां तक मुस्तफा की बात है, मुझे इनकार करने से पहले आप एक बात सोच लीजिए। मुस्तफा सबीन को कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं सबीन को दुनिया की हर आसाइश, हर खुशी दे सकता हूं। अब आप जा सकते हैं। मामूजान, आप समझते क्या है खुद को? अमीर हैं तो सब कुछ खरीद लेंगे, अपनी दौलत से दूसरों की कीमत लगाएंगे। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है शाजिद साहब। मेरी कीमत लगाई है ना आपने, तो ठीक है, जाएं दुनिया के किसी भी बाजार से दो माशे मोहब्बत खरीद के लाएं। दो माशे तो क्या, रत्ती भर मोहब्बत भी मिल जाए ना आपको इस दौलत के बदले, तो फिर सबीन अपना सब कुछ हारकर आपके कदमों में बैठ जाए। मोहब्बत अगर बिकने वाली चीज होती ना, तो मोहब्बत के किस्से यूं जबान जदे आम ना होते। जुलेखा यूसुफ के लिए मिस्र की गलियों में यूं दीवाना वार ना फिरती। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा, बात सुनो, आज तो तुम्हारी मेहंदी है, आज तो तुम ऑफिस की छुट्टी कर लो। अब्बा, वो हुआ ये कि ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त कल से मंजूर की है। बेटा मगर सारे इंतजामात कौन देखेगा, मैंने भी थोड़ी देर के लिए दुकान जाना है। अब्बा मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, वैसे भी शाम को जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा जी, अल्लाह। मुस्तफा, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही? तुम आज तो ऑफिस मत जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ मुस्तफा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम सब ठीक होने जा रहे हैं, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर भी ऑफिस जाना जरूरी है, आज हमारी मेहंदी है। ऑफिस अभी जाऊंगा, तभी तो वापस आऊंगा ना। वादा कर, सूरज ढलने से पहले तुम्हारा मुस्तफा लौट आएगा, तुम बस तैयार रहना। तुम्हारे खूबसूरत हाथों पे मेहंदी से अपना नाम मैं खुद लिखूंगा। जल्दी आना। आऊंगा। या अल्लाह, मेरे मुस्तफा की हिफाजत कर। रोबिया, मुस्तफा से बात हुई? फोन आया था उसको, कह रहा है कि रास्ते में वो पहुंचने वाला। सोबिया, अभी सिर्फ कुछ घंटों की बात है और सबीन मुस्तफा के नाम लिख दी जाएगी और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी।
ये मोहब्बत की जंग, और सोबिया ये जंग आखिर तक लड़ेगी। अच्छा, लेकिन सोबिया लड़ने में और जीतने में बहुत फर्क होता है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का सबीन को जहर देकर मार चुकी होती। अगर वक्त आया ना तो सोबिया भी ये कर देगी। सोबिया, मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो चुकी हो। तुम अभी तक सही वक्त का इंतजार कर रही हो। वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और चंद घंटों की बात है सबीन सबीन सफदर की बजाय सबीन मुस्तफा हो जाएगी। सबीन सफदर से सबीन मुस्तफा बनने में उसे 22 साल लगे, लेकिन सबीन मुस्तफा से सबीन सफदर बनने में उसे चंद लम्हे लगेंगे। चलो, खुदा का शुक्र है सब ठीक ठाक से हो रहा है। सुने, मुस्तफा के आते ही खाना लगवा दीजिएगा प्लीज। कब से मेहमान आए हैं, वापस कब जाएं? उसका इंतजार। हेलो जी, मैं इखलाक अहमद हूँ, फरमाइए आप कौन? क्या क्या हुआ है? एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ है? वो कह रहे हैं कि मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। क्या, मेरे मुस्तफा का एक्सीडेंट? नहीं, तुम जल्दी से कपड़े बदलो, हमें निकलना और हॉस्पिटल। अभी आई। किसने कॉल किया? पता नहीं, मेरे ख्याल उसके मोबाइल से नंबर। चलें, चलते हैं। अच्छा, चलते हैं, चलते। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सोबिया बोलो, जवाब दो। मुस्तफा को कुछ? मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मुस्तफा की? लेकिन उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, अभी तो हमें फौरी तौर पर उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? लेकिन उनकी बैकबोन में शरीर चोटें आई जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिज हो गया है, जो काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सब ठीक है, लेकिन सर्जरी में काफी खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा हो सकता है? कम से कम 80 से 90 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, 80 से 90 लाख रुपए? दवाएं और बाकी खर्चे अलग से हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको फौरी तौर पर सुबह तक कुछ रकम जमा करानी होगी, कम से कम 20 लाख रुपए, ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। अरे अम्मी, संभालें खुद को, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा मुस्तफा भाई को, प्लीज संभालें। मेरा मुस्तफा, मेरा मुस्तफा। आंसू पोंछने के लिए अगर किसी का साथ ना हो तो आंसू बेमानी लगने लगते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये आंसू भी साथ छोड़ जाते हैं। कह
रहा है कि बकिया पैसे जल्दी जमा नहीं कराए तो फिर वो उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसे कैसे ताया जी, वो तो डॉक्टर्स हैं, मसीहा है, वो उनका तो काम है लोगों को जिंदगी देना, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। ये मसीहा नहीं है, ये जल्लाद, इनका काम सिर्फ पैसे बनाना, कोई जिए मरे इनको कोई कर्ज नहीं है। फिर भी ताया जी, क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है उनमें? हमने मना थोड़ी किया है पैसे देने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है, आप दोबारा बात करके देखें ना प्लीज। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। प्रॉपर्टी वाले ने कहा है कि हमारे घर के रजिस्ट्रेशन पेपर्स में कोई मसला है, थोड़ा वक्त लगेगा हल होने में, उसके बगैर खरीदार मिलना थोड़ी मुश्किल है। अब तो फर्द ही एक सहारा है। लेकिन सफदर, वक्त बहुत कम। खालू जान, और कितना इंतजार, खाला को गए हुए कितना वक्त हो गया और अभी तक और इंतजार। और वैसे भी शाहजेन के लिए ये रकम कोई मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, देखते हैं। ये सब क्या हो गया? याला, याला ये सब क्या हो गया? मेरे मुस्तफा का क्या बनेगा? उसके इलाज के पैसे कहां से आएंगे? याला ये क्या हुआ? क्यों हुआ ये सब? सारी आजमाइशें मेरे लिए, या मेरे मालिक, क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? मेरा मुस्तफा। आप यहाँ क्यों आए? मैं जानता हूँ सिर्फ मेरी शक्ल देखे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। आना भी चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत की जान बचाने के लिए मैंने पैसे जनाई दिए, बहुत संग दिल ना मैं। यकीनन तुम्हें ये भी महसूस हो रहा होगा इस वक्त कि तुमसे इतनी तजलील करवाने के बाद फिर भी यहां मैं क्यों खड़ा हूं। तो अगर आपको अपनी तजलील का एहसास हो ही गया फिर यहां पे क्यों आया? मुस्तफा की जान बहुत कीमती है, ये बात मैं जानता हूं। अगर तुम बीच में ना होती, मुस्तफा की जान बचाने के लिए मैं हॉस्पिटल का बिल कब तक क्लियर कर चुका हूं।
लेकिन ये सब मैं अब भी कर सकता हूं। लेकिन 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 तुम्हें मुझसे डील करनी होगी। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूं, डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। कैसी डील? मुस्तफा की डील। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुस्तफा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं, बल्कि जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा। बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ दो रातें गुजारनी होंगी। आज तुमने इज्जत, मान, इंसानियत और रिश्तों की सारी हदें पार कर दी हैं शाज़े। तुम इतना बुरा सलूक अपने खून के रिश्तों के साथ कैसे कर सकते हो? तुम दफा हो जाओ यहां से। कहीं मैं अपनी बर्दाश्त की सारी हदें पार ना कर दूं। दफा हो जाओ। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूं? जाओ यहां से। अखलाक साहब, मैं आपको आखिरी बार इन्फॉर्म करने आया हूं, आपके पास मजीद 15 मिनट हैं, उसके बाद वो कंसल्टेंट चले आएंगे जिन्हें मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, मैं क्या करूंगी? अरे क्या कर रही हैं आप, इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद यहाँ नौकरी करता हूँ मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कुछ कर सकते? खुदा के बाद डॉक्टर ही मरीज के लिए सब कुछ होता है। आप बचा सकते हैं मेरे बेटे को। नफीस साहब, मैं आपको संभालो, क्या कर रही हो तुम? आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा बेटा मर गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं अपने बेटे के बगैर कुछ नहीं हूँ डॉक्टर साहब। मेरे बेटे को बचाना होगा आपको। मेरे एक ही बेटा, मेरे खुदा के वास्ते। आप प्लीज इन्हें समझाइए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब। सारे एक्सपेंसेस दे रहे हो बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ दो रातें गुजारनी होंगी। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। तुम्हारा मनहूस साया पड़ते ही मेरे बेटे पर क्या टूट पड़ी है। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं कि अगर मेरे मुस्तफा को कुछ भी हो। Thank you.
मैं एक फोन कर सकती हूँ? जी, नंबर? हेलो, मैं सबीन बोल रही हूँ। जानता हूँ, मुझे मंजूर है आपकी हर बात, हर शर्त मंजूर है। मुस्तफा की जिंदगी बचाने के लिए मैं हर शर्त सहने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुस्तफा की जान बचा लें। एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि एक बार तुमने कह दिया तो अपनी बात से पलट नहीं पाओगे। मैंने फैसला कर लिया, मैं मुस्तफा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, मगर वो कंसल्टेंट्स वापस जा रहे हैं, वो मुस्तफा का ऑपरेशन के बगैर ही वापस जा रहे हैं। प्लीज उन्हें रोक लें। कोई कह नहीं जाएगा, तुम फिक्र मत करो, वो मुस्तफा का इलाज करके जाएंगे। बस तुम्हें वो सब छोड़कर मेरे पास आना होगा। मुझे मंजूर है। कुछ खा नहीं रहे? मुझे भूख नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें भूख है लेकिन तुम जानबूझ के नहीं खा रही। खाना खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सबीन, हमारी मुलाकात कॉन्ट्रैक्चुअल है, जिसमें तुम्हारे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वक्त कैसे गुजरेगा, इसका फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। खाना खाओ। इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बरा
मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझा हुआ था। तुम जैसे आई थी वैसे वापस जाओगे। ये इतने बड़े और महंगे हॉस्पिटल में काफी खर्चा हो गया होगा। बेटा इस सब की फिक्र तुम ना करो, ये सोचना हमारा काम, तुम सिर्फ आराम करो, हम है ना। फिर भी अपा हमारे घर के हालात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है आप सबको। बेटा कैसे हुआ? बेहतर हूँ पापा। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा माँ बाप तो होते ही औलाद की परेशानी को दूर करने के लिए हैं। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा हर परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखा करो। कैसे हो मुस्तफा? ठीक हो? तुम्हारे इलाज का सारा पैसा बेटा शाहजहान ने दिया है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि मुस्तफा के इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, उसका हर घंटे चेकअप होना चाहिए, प्लीज ख्याल रखिए। इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर लूंगा। वैसे बिल्कुल ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूंगा, आप परेशान मत। थैंक यू डॉक्टर। अब आप मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो आओ बात कर लेते हैं। अपना ख्याल रखना। शाहजहान थैंक यू। किस बात का? ये सब कुछ जो तुमने मेरे लिए किया, ये हॉस्पिटल, मेरा इलाज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हें मेरा नहीं बल्कि सभी इनका अदा करना चाहिए। तुम्हारी जान इसने बचाई है। मेरा मतलब है तुम्हारे इश्क में इसने दिन रात मजारों पे दिए जलाए हैं। तो खुदा इसकी फरियाद कैसे ठुकरा सकता है? सही कह रहा हूं सुबीन? मैं आती हूं। बाकी सब का खाला जान और खालू बाहर हैं। सरदार चाचू किसी प्रॉपर्टी वाले से मिलने गए हैं और शाजी सबीन का है। कब से दिखाई नहीं दी? वो शाजी के साथ घर चली गई है। घर चली गई? हाँ वो कह रही थी उसे हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता। और शाहजहान आया था वही छोड़ने गया उसको। शाहजहान? हाँ वो तो एक दिन पहले भी घर छोड़ने गया था उसे, तब मैं साथ थी। पर रास्ते पर अल्लाह का नाम लेती रही। इतना डर लग रहा था ना मुझे, क्या बताऊं। क्यों?
अब गाड़ी चलाने वाला अगर साथ बैठने वाले को टिकटिकी लगाकर देखता रहेगा तो इंसान को डर तो लगेगा ना। मोहब्बत भी बहुत कमजोर चीज है वैसे, इंसान इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाता है। अब देखो, जब शाहजैन ने सबीन के लिए रिश्ता भेजा तो सबीन ने इनकार कर दिया, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब उन दोनों को पास आने का मौका मिल गया। वैसे भी मोहब्बत तो वो करता है ना सबीन से। मुझे तुमसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी सोफिया। देखो, दोस्त मैं दोनों की, लेकिन सच्चाई बोलना मेरा हक है। रब ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी ठीक होके घर आ जाओगे, और मैं हर एक दो दिन बाद तुम्हारे पास चक्कर लगाती रहूंगी। तुम्हारे लहजे में छुपा दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ सभी, तुम्हें यहाँ हर वक्त मेरे पास होना चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ मुस्तफा, बस क्या बात है, चुप क्यों हो गए? बस ये कि अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरे पास रुको, यही बात है ना? तुम अपने जहन पे जोर मत डालो, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। बस तुम जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। सभी, अगर मैं मर जाता तो सभी इन भी चिंता ना रहती। हेलो, शाहजैन बात कर रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं आपको, मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकती। कहिए, कैसे फोन किया? आज मैं गया था हॉस्पिटल, मुस्तफा आज घर आ जाएगा। जानती हूँ मैं, तुमने एक बार भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मुझे कभी नहीं लगा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा लगा आप मुझे जीतना चाहते हैं। जीत और हार तो लड़ाई में होती, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी तरह इश्क और मोहब्बत पे बिलीव करता हूँ जिसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मोहब्बत ना सही, अना और जिद में भी अक्सर लोग ऐसा कर जाते। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी सोच और राय मेरे बारे में बदल जाएगी। सबीन, वो आ गया है। कौन आ गया? तुम इतनी घबराई भी क्यों? फैसल, फैसल आ गया, मुझसे पैसे मांग रहा है। अभी कहां से दूं मैं उसे पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है, और अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो कहीं वो सारी चीजें इंटरनेट पे। वो ऐसा कुछ नहीं करे, तुम बिल्कुल बेफिक्र, मैं खुद जाके उससे बात करती हूँ। चलो चलो। ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? तुम्हें जरा से भी शर्मो लिहाज नहीं है? शर्मो लिहाज? वो तो तुम्हारी कजन में भी नहीं है।
साफ साफ बताओ कि चाहते क्या, क्यों इसके पीछे पड़े हो, क्यों तंग कर रहे हो इसको बार बार। प्यासी को क्या चाहिए होता है, ये बात मैं तुम्हारी कजन को बता चुका। वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी हमारे घर से। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, वरना 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 क्या करोगे तुम? ये शाजी अच्छी तरह जानती, मैं इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, पैसे नहीं दे सकती तो शाजी को कुछ देर के लिए मेरे साथ भेज। बकवास बंद करो, खबरदार जो तुमने शाजी का नाम लिया तो। शाजी नहीं तो तुम आ जाओ मेरे साथ। प्लीज 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 तुम यहाँ से इस वक्त चले जाओ, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज फैसल प्लीज। अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। और सबीन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, उसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये बात तो मेरी अच्छी तरह से याद रखना। मैं अंदर जा रही हूं, तुम दरवाजा खोलो। हट भी जाओ आगे से, हमें अंदर जाना है। सोबिया ठीक, तो मुस्तफा को लेकर अंदर चलो। चलो मुस्तफा, अभी अभी ठीक होकर हॉस्पिटल से आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और तुम्हारी वजह से उसके सामने कोई बदमस्की हो और उसे तकलीफ हो। डॉक्टर ने अभी उसे किसी किस्म का जहनी दबाव लेने से मना किया, इसलिए मेहरबानी करके उससे दूर रहना। जानती हूँ मैं, ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपने खून की वजह से अपनी आदत से मजबूर हो, लेकिन हो सके तो मेरी बात मान लेना, उससे दूर रहना। मुस्तफा तुम? तुम्हें देखने को जी चाह रहा था, इसलिए चला है। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। तुम भी तो नहीं आई सुबह से। हाँ मैं सोच रही थी आने का, मगर शाज़ान आ गया। वो भी आया था। क्यों? क्या मतलब क्यों मुस्तफा, वो भी हमारा कजिन है, और फिर उसने तुम्हारे मसले में कितनी हेल्प की है ना। अच्छा छोड़ो ये बात, ये बताओ इतने दिन तुम
अस्पताल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कैसी बातें कर रही हो मुस्तफा? मुझे तुम्हारी याद ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? फिर क्यों नहीं आई मुस्तफा? जब कल मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो ताई जी ने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मुझे उनके मारने पे कोई गिला नहीं, कोई दुख नहीं, मगर उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए मेरी बर्दाश्त की बिसात से ज्यादा थी। आखिर कब तक? कब तक मैं उनकी ये नफरत सहती रहूंगी? मुस्तफा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं, मगर ताई जी की नफरत? मुस्तफा, क्या कह रहे हो तुम मुस्तफा? नफीसा ने सबीन पे हाथ उठाया? उसे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मेरा बस चले तो इस गलाजत को इस घर से दूर करने के लिए जहर देके सारा किस्सा ही खत्म कर दूं मैं। नफीसा, मार गया मुझे, मार गया मुझे, उठा यार, रुक क्यों गए आप? यही कसर बाकी रह गई थी अखलाक साहब? इस गलीज लड़की के लिए आप मुझे मारेंगे? बरसों की खिदमत का ये सिला दिया आपने मुझे? इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया। तुम जैसी औरतें अपनी नेकियां अपने हाथों से गंवाकर दूसरों पर इंसान दे देती, लेकिन बस अब और नहीं। आज मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, तुम जवाब देंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाश। किसी एक की नफरत हम सब की मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकती सत्तर। मुझे मुस्तफा ने सब कुछ बता दिया और मैं नफीसा की तरफ से तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं अखलाक भाई? ऐसा मत कहें ताया जी। मैंने तय कर लिया है कि मुस्तफा और सबीन की शादी इसी हफ्ते होगी। न तुम नफीसा की तरफ से कोई डर और अभाम अपने दिल में मत रखो। मेरे होते हुए सबीन को नफीसा आंख उठाकर भी नहीं देख सकती, और ये बात मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं। देखो प्लीज सफदर, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उस घर में सभी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप कहते हैं तो मैं ये बात मान लेता हूं, बाकी अल्लाह जाने और सबीन का नसीब। मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। तौबा है मुस्तफा, क्या हालत बनाई हुई है तुमने कमरे की। सोबिया थोड़ा बहुत काम कर देती है, लेकिन मुझे उससे अपना काम कराना अच्छा नहीं लगता, मैं उसे मना कर देता। और वैसे भी अब थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो तुम आ जाओगी, फिर जो तुम्हारी मर्जी हो वो करना।
मुस्तफा, ये कुछ दिन मेरी सारी जिंदगी पे बहुत भारी, बस अल्लाह से दुआ है कि शादी तक ये दिन किसी तरह सुकून से गुजर जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्तफा अब मुझे जाना होगा, ज्यादा देर रुकी तो ताई जी खफा हो जाएंगे। अच्छा सुनो, दोबारा कब आओ? मैं रोज रोज नहीं आ सकती मुस्तफा, आज भी बड़ी मुश्किलों से आई, डरते डरते कि अगर ताई जी ने देख लिया तो फिर मैं तो गई, और वैसे भी अब कुछ ही दिन की बात है तो सबर कर लो। ठीक, क्या बात है, परेशान क्यों लग रही है? मैं नहीं तो वो तुम्हारे ये लेटर देने आई थी। मैं चलती हूँ। हेलो, किधर जा रही हो? इधर देखो, अम्मी ने कुछ कहा? नहीं। बताओ मुझे, तुम जानती हो मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूं, तुम जबान से भले कुछ मत हो, तुम्हारी आंखें मुझसे बातें करती हैं। अच्छा, तो क्या कह रही है मेरी आंखें? ये कह रही है कि सबीन खुश नहीं है, हालांकि अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, फिर मसला क्या है? बता क्या बात? सच में मुस्तफा, कोई बात नहीं, अरे सबीन, मैं ये भी जानती हूँ ताई जी कि इसमें सिर्फ आपकी नफरत का जहर ही नहीं, असल जहर भी शामिल है, जो आपने और सोबिया ने मिलके प्लान किया हुआ है मुझे मारने का, इस खीर में जहर मिलाकर। घबराए नहीं ताई जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आज मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी जो 20 साल से आपके दिल में दफन थी। लेकिन ताई जी, मेरी जान लेने में आपको जरा सी भी झिझक, कोई डर महसूस नहीं हुआ? क्या गुनाह किया है मैंने ये कि आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती, यहाँ पर वो गुना जिससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। वास्ता है,
जिस औरत का तुमने दूध पिया है वो एक हराफा थी, बदकिरदार औरत थी। तुम्हारी अदाओं पर फरेफ्ता होकर मेरा बेटा मुझसे बगावत पर उतर आया, और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे बेटे से शादी के बाद तुम्हें कोई दूसरा मर्द पसंद नहीं आएगा? और तुमने तो अभी से शाहजैन को अपने पीछे लगा रखा है, जो उसी दूध का असर है। मुस्तफा, इतनी भी क्या जल्दी है, खाला को आने दो। दोनों पहली बार एक साथ होंगी और इतनी खुशी की खबर सुनके दोनों को कितनी खुशी होगी, और उनके चेहरों पे खुशी देख के मुझे कितनी खुशी होगी, ये लम्हा मैं मिस नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम चल नहीं सकते, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, तुम अंदर चलो आराम करो, खाला आती है तो मिल लेना प्लीज। मैं ठीक हूँ सोबिया, और तुम मेरे जाने से वहां इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशान हूँ, क्या हो गया? अम्मी वहां खीर खिलाने गई है, जहर नहीं। ठीक है, आ रहा हूं। किसी गुनेगार का दूध पीने से क्या उसके गुनाह भी आपके जिम्मे लग जाते? आप खुद बताएं ताई जी, क्या आपका दूध पीने से आपकी सारी गलतियां आपके बच्चों के जिम्मे लिख दे जाएंगी, या फिर आपके सारे सवाब उनकी झोली में डाल दिए जाएंगे? अपने गुनाह और सवाब का जिम्मेदार हर इंसान खुद होता है ताई जी। मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ। क्या गारंटी है ताई जी कि किसी शरीफ औरत का दूध पीने वाली लड़की एक शराफत का पैकर होगी, वो कोई गुनाह नहीं करेगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं ताई जी, आपको कहने का कोई फायदा नहीं है, आप पे कोई असर नहीं। आप यही चाहती है ना कि मैं ये जहर खा लूं? तो ठीक है, अगर आपको मेरे जहर खाने से राहत मिलती है, सुकून मिलता है, तो फिर मैं ये जहर खाने को तैयार हूं। ये क्या कर रही हो तुम, बोलो। मोहब्बत के नाम पे कुर्बान होना चाहती हो, वो भी इनकी नफरत के लिए? और आप, अम्मी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपने दिल में सबीन के लिए नफरत को इतना बढ़ा दिया है कि उसको जहर खाने पे मजबूर कर दिया। बोले, और जरा देखें इसकी तरफ, देखें, ये जानते हुए भी कि आप बचपन से इससे नफरत करती आई है, ये सब कुछ भुलाकर, यहां तक कि मेरी मोहब्बत को भी भूलकर, सिर्फ आपको खुश करने के लिए आज जहर खाने चली थी। अम्मी ये तो खुशी खुशी मौत को गले लगाने जा रही थी, आप इस हद तक चली जाएंगी मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, गिर गई हूं मैं, इससे भी आगे की हद तक गिर सकती हूँ, क्योंकि इस लड़की से मैं नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि अपने हाथों से इसका गला दबा सकती हूँ।
इसने मेरा बेटा, मेरा शौहर, सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। तो ठीक है, इस सारी नफरत की जड़ मैं ही हूं, तो मैं ही खुद को खत्म कर देता हूं, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे जीते जी मुझसे कोई सबीन को अलग नहीं कर सकता अम्मी। और आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत मैं डाल नहीं सकता। तो ये अपने आप को क्यों मारती है, बोले मरना तो मुझे चाहिए, तो मैं ही मर जाता हूं। नहीं! आप क्यों आए हैं? आप तुम्हारे गिले शिकवे और परेशानी दूर करने आया हूं। मैंने मामा से बात कर ली है, उन्हें बता भी दिया, उनको तसल्ली भी करा दी कि वो तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी ही थी। अब वो तुमसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। अरे शाहजन बेटे, तुम? सलाम अलैकुम मामू। और सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक मामू, मैं उसे ये देने आया था। अरे ये क्या? ये कुछ रकम है सबीन की शादी के लिए, मेरी तरफ से। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मुस्तफा के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। मामू ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। इस रिश्ते की हैसियत से ये मेरा फर्ज भी है और सबीन का हक भी है। इनकार मत कीजिएगा। बेटे तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ। नहीं मामू, मैं बस चलता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में, देर हो रही है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जी तरह बेटे, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। खुदा हाफिज़। क्या कर रही हो? सबीन के पास जाके बैठो, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और तुम्हारे अब्बा पार्टी बनाएंगे। अम्मी हमें नहीं जाना, अगर आपको जाना है तो आप जाएं अपनी बहू के पास। शाजी फजूल बातें मत करो, जो कहा है वो करो। ये क्या कर रहे हैं मुस्तफा भाई आप? हमें जाने की क्या जरूरत है खालिद साहब, जिसकी बात जरूरत थी वो देखे वो आ गए। क्या तुम क्या कर रही हो मेरी दुल्हन के साथ? अरे मुस्तफा भाई, आपकी दुल्हन को मेहंदी लगा रहे हैं।
मेहंदी लगा रही हो? जी। मुझे दो दो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेहंदी कैसे लगाई जाती है। अरे मुस्तफा भाई, आप फिक्र ना करें, आपकी भी बारी आ जाएगी मेहंदी लगाने की। नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी, मैं इनको लगाऊंगा। इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बराए फरोख्त नहीं। सॉरी, तुमसे इसमें बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके यहां बुलाना चाहिए था, लेकिन क्या करता, मैं ऐसा ना करता तो तुम कभी यहां ना आते। ठीक कहा आपने, मैं वाकई ना आती। वो इस वक्त अपने यार शाहजहान से मिलने गई है। किसी भी लड़की के लिए मेहंदी का जोड़ा उतारना नामुमकिन सी बात है, लेकिन ये मैंने किया है। आप कभी नहीं समझ सकते कि मैं कितनी मुश्किल से गुजरी। कल मेरी शादी है और मैं आज रात यहाँ पे आपके साथ। घबराने, तुम्हें ज्यादा देर यहाँ पे रोके नहीं रखूंगा, बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें करीब से देखना चाहता था। एक जिद तो मैंने खुद से लगा रखी थी, तुमसे शादी करने की जिद। खैर, वो तो पूरी ना हो सके, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन ठीक है। आप इतने बुरे इंसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। हाँ, थोड़े से जिद्दी हैं। चलो, इसी बहाने तुम्हारी मेरे बारे में राय तो बदली, यही मेरी जीत है। जब से शाहजहान ने तुम्हारे इलाज के पैसे दिए हैं, सब उसकी बहुत तारीफें करने लग गए हैं, सबीन। और शाजी बता रही थी कि वो
घर भी आता रहा। एक दो बार तो सबीन उसके साथ यूनिवर्सिटी भी गई है। अकेली होगी, चाचा जान तो काफी देर से बाहर है ना। अकेली थी सभी नहीं सोच। वैसे भी मैं मामू जान से नहीं, सबीन से मिलने गया। मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ा। सर कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो। बात है, ये सारा जाल आपने बिछाया ना मुझे जलील करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। मैं उसे यहाँ पे क्यों बुलाऊंगा? झूठ मत बोले मुझसे। आपने मुझसे बदला लेने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं ये सोच भी नहीं सकता। अगर उसे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है तो उसे तुम पे यकीन होना चाहिए कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। सबीन, मैंने आपसे कहा था ना, हराफा का दूध पीने वाली एक ना एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी। हराफा पैसे के लिए ना बिके, ये कैसे हो सकता है? नफीसा बकवास बंद करो अपनी। चिल्लाइए मत अखलाक साहब, सच सुनने का हौसला रखिए। जानते हैं आप मेहंदी के बाद सबीन कहां गई थी? शाहजैन के पास। उसके साथ पूरी रात गुजार के आई है आपकी भतीजी, पर आपके बेटे ने ये प्यार भरी मुलाकात अपनी आंखों से खुद देखी। आप यही कहेंगे कि मेरी सोच गलत है? किया तुमने ऐसे? क्यों? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, आपकी सबीन कैसे कुछ भी नहीं कर सकती? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है।
मेरा यकीन करें अब्बा, मुस्तफा को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये सच है कि कल रात तुमने शाह जैन के साथ गुजारी है? बोलो, अपने बाप से झूठ मत बोलना। जी जी अब्बा, लेकिन कर दिया आपने, मैं क्या करूंगी आपके बगैर अब्बा? मुझसे कैसे हो गया अब्बा? हौसला करो, हौसला करो बच्चे, हौसला करो। एक ना एक दिन तो सभी के माँ बाप ने जाना होता है बेटा, ऊपर वाले की रजा है, इंसान का कोई बस नहीं चलता, कोई नहीं। पुपो, मैं कैसे हौसला कर लूं? मेरे पास एक अब्बा ही तो थे मेरी जिंदगी में। सही बेटा, अब मैं क्या करूंगी पुपो, मैं कैसे जीऊंगी अब्बा के बगैर? सभी मेरी जान, हम हैं ना सब है तुम्हारे पास बेटा। बेटा, तुम्हारे पापा के जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं दादा जी, खुदा के लिए अब्बा को ना लेके जाएं। बेटा यही अल्लाह की मसलियत। नहीं दादा जी, दादा जी मैं नहीं रह सकती अब्बा के बगैर। दादा जी नहीं, मैं नहीं रह सकती अपने अब्बा के बगैर, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं कैसे रहूंगी अब्बा के बगैर? मैं क्या करूंगी? मैं अकेली हो जाऊंगी अब्बा के बगैर। बेटा अब्बा को ना लेके जाए मुझसे दूर। अम्मा उठे अब्बा, अम्मा जमीन कैसे रहेगी? अपने आप को संभालो बेटा। नहीं अम्मा, नहीं दादी जी प्लीज, नहीं दादी जी, नहीं प्लीज दादी जी प्लीज। कलमा शहादत। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा को नहीं लेके जाए, नहीं प्लीज 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 मत ले जाए दादी जी, दादी जी अम्मा को। कलमा शहादत। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा को लेके जाए प्लीज अम्मा। कलमा शहादत। अब्बा मैं नहीं रह सकती आपके बगैर अब्बा, अब्बा अब्बा मैं कैसे रहूंगी? मैं अकेली हो गई, अब्बा ने अपनी जमीन को अकेला कर दिया। अब्बा अपनी जमीन के बाद वापस आ जाए अब्बा, पुप्पो दाई जी को बोले ना अब्बा को वापस लेकर आए। मैं नहीं रह सकती अब्बा के बगैर, एक अब्बा ही तो थे मेरी जिंदगी में, था दाई जी वापस लेकर आए अब्बा को। मैं क्या करूं पुप्पो? लावे दुनिया
अब क्यों आए आप यहां? क्या लेने आए? अब तो आपका मुझ पे कोई उधार नहीं, एक भी उधारी रात बाकी नहीं रही, तो फिर क्यों आए आप? मेरी दोबारा तजलील करने आए हैं, लोगों के सामने मुझे मजीद बदनाम करने आए हैं, या फिर अपनी जीत की खुशी मनाने आए? नहीं सबेन, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, बल्कि तुम जितना गुस्सा करो उतना कम है। मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूं। आपकी इस बिजनेस डील में आपका कोई नुकसान नहीं हुआ शाहजान, तो फिर कैसी तलाफी? मोहब्बत की इस जंग में नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। मोहब्बत को बचाते बचाते मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, मैंने अपने बाप तक को खो दिया। शाहजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद सबीन से पूछ रही थी कि ये हमारे घर में क्या कर रहा है। नहीं ताई जी, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, इसे तो। अच्छा, तो क्या मैंने बुलाया है? तुम्हारे घर में खड़ा है तो तुमने ही बुलाया होगा ना उसे। शाजी, ये क्या कह रही हो तुम? ताई जी, ये झूठ है, मैंने इसे नहीं बुलाया। सही कह रही है ये लड़का तुम्हारे घर में तुम्हारी छत के नीचे खड़ा है, तो जाहिर है तुमने ही बुलाया ना, और किसने बुलाया? कहती रहे कि जिसका दूध है असर तो करेगा। मिलावट ज़दा खून अपनी औकात तो जरूर दिखाएगा, लेकिन मेरी कभी किसी ने सुनी नहीं। अरे तुम जैसियों का दिल किसी एक से थोड़ी भर सकते? पहले मेरा बेटा, फिर शाहजहान, और अब ये लड़का। ताई जी, आवाज नीची रख के बात करो मुझसे। जिनके दामन पे दाग होते हैं वो अपनी नजरें झुका के और आवाज नीची रख के बात करते हैं, समझी? ठीक ही तो कहा है, और ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अगर तुम इतनी सच्ची थी तो मुस्तफा को फंसाकर शाहजहान को पीछे लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ताई जी, मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कहती रह गई, मगर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अपनी औकात तो तुमने दिखा ही दी। ये तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा तुम्हारी असलियत जान गया, वरना सारी जिंदगी तेरे अंदर की गंदगी मेरे घर को नापाक करती रहती। तुम अब इस घर में नहीं रहोगी, सुना तुमने? नहीं ताई जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस लड़की को नहीं बुलाया, प्लीज मेरे यकीन करें। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, सुना तुमने? मैं अपने घर को तुम्हारे नापाक वजूद से मजीद नापाक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। निकलो यहाँ। नहीं ताई जी, मैं कहती हूँ ताई जी, निकलो यहाँ। नहीं ताई जी, ताई जी, निकलो यहाँ। एक नफा पर ताई जी। नफीसा, आप इस तरह से अचानक क्या हो रहा है सब? आपा, आप नहीं जानती इस लड़की ने क्या किया है। क्या किया इसने? बोलो बोलो नफीसा, इसने ऐसा क्या किया जो तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? आपको पता चलेगा ना किसने क्या किया है, तो आपको मेरे इस अमल पे अफसोस नहीं होगा, बल्कि आप भी इसी तरह धक्के देकर इसको घर से बाहर निकालेंगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह ये सब कुछ करता देखकर। मैं तुम्हारी तरह कम अकल नहीं हूं, आंखों देखी और कानों सुनी बात पर ही यकीन करती हूं। इतरा बेटा, इतरा मेरे पास। इतरा मेरा बच्चा। आप नहीं जानती इस लड़की ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है।
मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इसने ठेका लिया हुआ है हमारे खानदान को बदनाम करने का, रुसवा करने का। इससे ज्यादा तो तुम बदनाम कर रही हो हमारे खानदान की इज्जत को। मैं अपने खानदान की इज्जत को उछाल रही हूँ? हाँ, जब घर के झगड़े की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर जाने लगे, कसूर घर वालों का होता है, बाहर सुनने वालों का नहीं। और अल्लाह जाने वो बात इतनी बड़ी है भी या नहीं, तुम्हें तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। आप बिना बात को जाने मुझे इल्जाम दे रही हैं। नफीसा, इल्जाम वहां दिया जाता है जहाँ शक की कोई गुंजाइश हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, इस बारे में अब मुझे कुछ नहीं सुनना। सबीन बेटा, तुम जाओ अपना सामान लेके आओ, तुम अब यहां नहीं रहोगी, मेरे साथ जाओगी। जाओ मेरे बच्चे। मगर आपा, आप एक बार मेरी बात तो सुने। अगर मगर कुछ नहीं, बहुत होगी नफीसा, एक यतीम बच्ची को नहीं देख सकी, संभाल सकी। शाजी, क्या हुआ है? शाजी कहाँ? अपने कमरे में है वो। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताएं तो सही, क्या हुआ है? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जिन हाथों से उसे पाल पोस कर जवान किया है ना, उन्हीं हाथों से उसका गला घोट दूंगा, उसकी जान ले लूंगा मैं। शाजी! अरे मुझे तो बताएं, हुआ क्या है आखिर? चुप करो तुम। जी अब्बा, क्या हुआ? जी अब्बा की बच्ची, खबरदार जो तुमने मुझे अब्बा कहा, बहुत कहने का हक हो चुकी हो। तुमने क्या समझा था तुम इतना बड़ा गुनाह करोगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा? लाग, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। पूछो इससे, पूछो कि हमारी इज्जत पट्टी में मिला चुकी, मेहनत का जनाजा निकाल चुकी है। और तुम जिसे सारी जिंदगी गंदगी का ताना देती रही, वो पाक दामन की, और जिसकी पाकी और शराफत के तुम गुनगाती रही, उसने क्या गुल खिलाया? पूछो इसे। और उस पर जुल्म की इंतहा कि उस मासूम पर इल्जाम लगाकर तुम दोनों ने उसको घर से निकाल दिया। झूठ है ये सब, बोतान है। पर पाक लड़की मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है और आप ये सब कैसे कह सकते हैं? पापा ने बताया मुझे, और शाहजहन एक दो रोज में उस लड़के को भी पकड़ लेगा जो इसको ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेल? हाँ, तुम्हारा जो जेवर चोरी हुआ था ना इस घर से, वो इसी ने चुराकर उस लड़के को दिया था ताकि ब्लैकमेलिंग से बची रहे, बात छुपी रहे। पूछो इससे, बताएगी फिर ये अपने सारे करतूत। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बैठो यहां। इंस्पेक्टर साहब, पता चला लड़के का। ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। क्या हुआ? लड़के का पता चला। चालक, चालक, हाँ अभी चल नहीं रहा खुद। चल ले, चल क्या हो गया? अच्छा रन उड़ गया। चल, चल, कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। अभी ड्राइंग रूम में बताएंगे सर, वो कुछ नहीं किया। ये ले शाहजहान साहब, आपका मुजरिम। बहुत बहुत शुक्रिया सचिव साहब, लेकिन थाने जाने से पहले मैं इसे एक और जगह ले जाना चाहूंगा। आप ही जैसा कीजिए, इसके घर जाके लैपटॉप रिकवर करके मुझे ला दीजिए। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। खामोश खड़े रहे। मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों आपके साथ जाएंगे, उनको लेके जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। तो बोल रहा हूँ मैंने। चलो, अच्छा लगे।
बोलो सबके सामने। जो तुमने सबीन पे इल्जाम लगाया था उसका इकरार करो। ये सच है, मेरा सबीन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उस दिन शादी के लिए आया था। ताकि मैं इसे ब्लैकमेल कर सकूं और मजीद रकम हासिल कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बस इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये जरूर इसी की चाल है। और शाहजहान सबीन को बचाने के लिए ये सब ड्रामा तुम लोगों ने रचाया है ना। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और शाहजहान ने इसे पैसे दिए होंगे ऐसा सब कुछ बोलने के लिए। और फैसल ये तो एक नंबर का लालची धोखेबाज है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ये झूठ है तो तुम फैसल को जानती कैसे हो? तुम्हें कैसे पता कि पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है? मानी जान मैं गुनहगार हूं सबीन का, लेकिन आपने तो मुझसे भी बड़ा गुनाह किया सबीन पे इल्जाम लगा के। सबीन कल भी पाक थी और आज भी उसका दामन बाकी सही है। सबीन के बारे में सोच रहे हो? नहीं। अच्छी बात है, जितना उसके बारे में कम सोचोगे तुम्हारे लिए उसको भुलाना उतना ही आसान होगा। वो उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ। सबीन कहाँ है? सोबिया मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबीन कहाँ है और दरवाजे पे ताला क्यों लगा हुआ है? वो अब यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती? यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? मुझे बताओ सबीन कहाँ है? शाहजहान के घर पे है। शाहजहान के घर पे? अब ये मत पूछना कि वो वहां क्यों है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो। जिससे मिलने के लिए वो अपनी मेहंदी की रात जा सकती है, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठी रहेगी? शाहजहान जैसा अमीर और हैंडसम आदमी उसे दोबारा नहीं मिल सकता था, इसीलिए तो वो रात के अंधेरे। जब से गया है मुझे तो जैसे भूल ही गया है। खुद से तो उसने कभी भी कॉल नहीं की, हमेशा मैं ही करती हूँ। लेकिन ये अच्छा किया आपने जो आपने मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बेटी की तरह समझती हूँ ना तुम्हें। जी ठीक है, मैं बुकिंग करवा के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, जब चाहो आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पप्पो कोई आ रहा है क्या? हाँ वो शाहजहान की दोस्त है शानजे, वो आ रही है। वो इनफैक्ट तुम्हारे पप्पा की ना दूर की रिश्तेदार भी लगती है, दोनों इकट्ठे अमेरिका में पढ़ते थे। शानजे बड़ी प्यारी सी बच्ची है, जब भी यहाँ आती है हमारे पास ही रुकती है।
बहुत ज्यादा दोस्ती है दोनों में, बल्कि इनफैक्ट ये शान से तो शाहजैन के साथ शादी भी करना चाहती थी। मैं भी तकरीबन राजी हो गई थी, पर क्या बताऊं इस लड़के की मन तक तो मेरी समझ में नहीं आती। मैंने बात की शादी की, इसने इनकार कर दिया। अच्छा एनीवे छोड़ो इन बातों को, तुम ना जरा प्लीज गेस्ट रूम तैयार करवा देना, मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है, आ जाऊंगी थोड़ी देर। जी भाई। वैसे एक बात कहूं? कहो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ उत्तरन, मेरा मतलब है कि पहले मुस्तफा भाई, फिर ये सब सामान और सबीन की शादी का जोड़ा भी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब कुछ सबीन ने छोड़ा नहीं, बल्कि उसे मिला नहीं, क्योंकि ये उसके नसीब में नहीं था। और सबीन ने मुस्तफा को नहीं, बल्कि मुस्तफा ने सबीन को ठुकराया। अब अपने दिल को मनाने के लिए कोई भी बहाना बना लो सोबिया, लेकिन ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किसने किसको छोड़ा है या छुड़वाया है। मुस्तफा की शादी तय हो रही है। मुस्तफा की शादी? हाँ, इखलाक का फोन आया था, बता रहा था, हम सबको बुलाया उसने। मुस्तफा की शादी किसके साथ हो रही है पप्पू? सोबिया के साथ। दुख हो रहा है तुम्हें? नहीं। देखो सभी, जो खो जाए उसका दुख जायज है, लेकिन जो छोड़कर चला जाए उसके ऊपर तो दुख के बजाय अफसोस करना चाहिए कि वो आपको बीच रास्ते छोड़कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ है ये शाहजैन, लेने क्यों नहीं आया मुझे एयरपोर्ट? ओहो, शाहजैन का तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है और फिर भी ये सवाल कर रही हो। सो तो है, मगर आने दें उसे, पूरा हिसाब लूंगी, छोड़ूंगी नहीं आज मैं उसे। ठीक है, उसको ना छोड़ना, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। से मिलो, ये सबीन है, मेरे भाई की बेटी। कुछ अरसा पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, तो सबीन को फिर मैं अपने पास ही ले आई। आई एम सो सॉरी, नाइस मीटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, मैं सबीन बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, ताया हूँ तुम्हारा, मैं कैसे तुम्हारी आवाज नहीं पहचानूंगा? मुझे पता है तुम सबीन ही बोल रही हो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ताया जी, आप कैसे हैं? और ताई जी कैसी हैं, सोबिया, शाजी और? सब ठीक है बेटा, मगर जिसका नाम लेते लेते तुम रुक गई हो वो भी बजाय ठीक ही नजर आता है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। ताई जी, मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था, सोबिया और मुस्तफा की शादी की मुबारकबाद। आप यकीन करें ताई जी,
मुझे बहुत खुशी है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मैं उस तरह से तुम्हारा दिफा नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे करना चाहिए था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं दाई, किस्मत को शायद यही मंजूर था जो आपसे कोई गिला नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन गिला मुझे अपने आप से। मैं अपने भाई की बेटी को वो मकाम ना दिला सका जिसकी वो हकदार थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं दाई जी? अब आपने बुलाया? मैं बाद में बात करती हूँ दाई जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबीन से बात कर रहे थे? तुम लोगों ने जो सलूक उसके साथ करना था कर लिया, लेकिन वो मेरी भतीजी है, क्या उससे बात करने के लिए भी मुझे तुम लोगों से पूछना पड़ेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा अब्बा। अब तुम क्या कहोगे मुझसे? जितनी तजलील तुम लोगों ने मिलकर उस बेचारी की है, उसको तो इस घर की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए था, मगर फिर भी वो तुम सबका पूछ रही थी। खैर, मैंने अभी तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे बता दो शादी के क्या इंतजामात करने, सब हो जाएगा। और हाँ, उसका नंबर ले लेना मुझसे, शायद कभी उससे बात करने की जरूरत पड़ जाए तुम्हें। जो उसने मेरे साथ किया अब्बा, उसके बाद मुझे कभी उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, मैं देख के नहीं चल रहा था। नहीं, गलती मेरी भी है, मुझे देख के चलना चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं था। I'm sorry. नहीं, it's okay. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तो जीती रहो, खुश रहो और आबाद रहो। आमीन। ये तुम्हारे और मुस्तफा के लिए एक गिफ्ट है। ये मुस्तफा है कहाँ, नजर ही नहीं आ रहा। आपा वो तैयार हो रहा है, इस तोहफे की क्या जरूरत थी? आपका तो पहले ही हम पे बहुत एहसान है, मुस्तफा की बीमारी में आपने इतनी बड़ी रकम दी थी हमें। नफीसा, एहसान का जिक्र करके मुझे छोटा मत करो। इस एहसान के बदले में किसी ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। तुम भी तो जानती हो इस बारे में। शादी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। And the dress is so good. मैं भी अपनी शादी पे ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी। शान से मैं खुद तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी।
बेटा तुम्हारी शादी तय हो चुकी है? तय तो नहीं हुई है पर तय ही समझे। अरे वाह, जुदाई का मुशायरा वो भी इतनी खूबसूरती से करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। मेरा तो ख्याल था, बल्कि ख्याल नहीं यकीन था कि तुम दोनों नहीं आओ, लेकिन तुम दोनों ने तो आज साबित कर दिया कि बेवफाई इंसान को निडर और बेशरम दोनों बना दिया। बेवफाई नहीं, मोहब्बत इंसान को बहादुर और निडर बनाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुमने इश्क तो किया लेकिन इश्क की उस नजर से महरूम रह गए जिससे इश्क के बाल भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ बेवफाई दिखाई दी, कुर्बानी नहीं। नई जिंदगी का नया रिश्ता, बहुत बहुत मुबारक हो। को कबूल है? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कबूल है? मुस्तफा बेटा जवाब दो ना। हाँ कहो बेटा। मुस्तफा मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। कबूल है। कबूल है। कबूल है। रात हो चुकी है और मुस्तफा अभी तक नहीं आया, कहीं वो अपने फैसले पर पछता तो नहीं रहा? वक्त जिस दर्द से गुजर रही हूं क्या तुम भी वो दर्द महसूस कर सकोगे? हाँ
और आज रात जब तुम घूंघट उठाओगे उसमें सबीन की जगह सोबिया का चेहरा पाओगे। सॉरी। सॉरी सबीन, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे साथ बाहर जाते हुए तो तुम्हें बहुत डर लगता था, लेकिन लगता है अब सारे डर सारे खौफ खत्म हो गए तुम्हारे। वैसे तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो रास्ता भी साफ हो चुका है। या फिर सारी जिंदगी बस यूं ही। मुस्तफा, अपनी जबान बंद कर लो। इससे पहले कि मैं ऐसी हरकत कर बैठूं जो कि मुझे जेब नहीं देती। जेब तो तुम्हें वो भी नहीं देता था जो तुमने मेरे साथ किया। फिर एक हाथ उठाने पे इतनी नदामत, तुम जैसे इंसान को जेब नहीं देती। शाज़ेन, तुमने मुझसे मुस्तफा के इश्क के बदले दो रातें ना मांगी होती। तुम्हारे इनकार ने मेरे अंदर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया था। तुम्हारे और मुस्तफा के इश्क से नफरत। तुम्हारी उस नफरत का खराज मैंने अपने इश्क के खून से अदा किया। मेरे इश्क का खून बहा कौन अदा करेगा? किसके पास जाऊं मैं? किससे मांगूं?
यही तो तुम्हें बताने आया हूं आज। हाँ सर, तुम्हारे इश्क का खून बहा मैं अपनी मोहब्बत से अदा करूंगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत कि तुम मुस्तफा के इश्क को भूल जाओगे। तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब अपनी मोहब्बत से अदा करूंगा मैं। लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए। चले जाओ शाहजहान, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून बख्श दे, मुझे माफी दे दे। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। चले। वो कैसे लग रही हूँ मैं? ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया था, याद है? हाँ, मगर हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? तो क्या डॉक्टर के पास नया जोड़ा पहन के नहीं जा सकते? मैंने तो इसलिए पहना क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब चलो, देर हो रही है। मुस्तफा बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। वो तुम लोग कहीं जा रहे हो? वो इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, इसके सर में दर्द है। क्या हुआ सोबिया? बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बस सर में दर्द था खाला, आपको इसलिए नहीं बताया कि आप खामखा परेशान हो जाएंगी। अच्छा, खाना तो तुम लोग घर आके ही खाओगे ना? नहीं खाला, बाहर जा रहे हैं तो खाना भी बाहर ही खा लेंगे। चलें। चलो अल्लाह। ये तो कितनी खुशी का मौका है हम सब के। आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? और शानजे तुम, शाहजैन से शादी की तारीख तय हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसी उदासी छाई हुई है। शुक्र है शाहजैन भी आ गया, इतना इंतजार नहीं करना पड़ा हमें। वहाँ ये सब शाहजैन, आज तुम्हारी और शानसे की मंगनी की रस्म रखी है, तुम्हें बताया तो था मैंने। अरे चलो बैठो, शानसे को मुट्ठी बनाओ, तुम्हारे इंतजार में बैठी है। माँ सब की क्या जरूरत है, जब मैं शादी के लिए हाँ कर चुका हूँ तो फिर? बेटा हम तो शादी की तारीख तय करने बैठे थे, ये अंगूठी तो एक फॉर्मेलिटी है। अब चुपचाप बैठो और शानसे को अंगूठी पहनाओ। ये लो बेटा अंगूठी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, क्या दे सकते हैं ये कुर्बानी मेरे लिए शांति से शादी करके? बेटा तुम भी पहनो।
तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मंगनी हो चुकी मेरी। शायद तुम्हें पता चल ही चुका होगा अब तक। मुझे पूछोगे नहीं कि मेरी मंगनी किससे हुई है? चलो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं, मेरी मंगनी शांजे से हुई है। और इस मंगनी करने पर मजबूर मुझे सबीन नहीं किया है, क्योंकि उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। लेकिन उसे जिसकी मोहब्बत पे यकीन था, उसने उसकी बात एक बार भी सुनना गवारा नहीं समझा। मोहब्बत पे यकीन रखने वाला सच्चा आशिक इतना बेयकीन कैसे हो सकता है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। कहना क्या चाह रहे हो तुम, बोलो। कमाल की बात है, जब वक्त था, जरूरत थी, तब तुमने मौका नहीं दिया बात करने का। पर अब सब कुछ हो जाने के बाद तुम आज सुनना चाहते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनो फिर। सभी से मोहब्बत करता हूं मैं, बेपनाह मोहब्बत। जब मुझसे शादी से इनकार करने के बाद उसने तुम्हारा हाथ थामने का फैसला किया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ब्लैंक चेक लेके गया था मैं मामू जान के पास कि जितनी जी चाहे रकम भर ले इसमें, लेकिन बदले में अपनी बेटी का हाथ दे दें। लेकिन सबीन ने उस चेक के टुकड़े टुकड़े कर मेरे मुंह पर मार दिए। उसके बाद मैं अपनी अना की आग में चलता रहा, फिर इतफाक से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, और तब मैंने सबीन से तुम्हारे इलाज के पैसे देने के बदले अपने साथ दो रातें गुजारने पर मजबूर किया। और फिर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की खातिर अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए। हमने दो रातें साथ गुजारी जरूर थी, लेकिन वो रातें उसी तरह थी जिस तरह अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपनी हर रात गुजारी। झूठ है ये, कहानी है जो तुम दोनों बना रहे हो, मैं नहीं मानता। मानना तुम्हें पड़ेगा मुस्तफा, क्योंकि सबीन बेगुनाह है। उसके दामन पर ना तो कल दाग था पर ना आज दाग है, लेकिन तुमने उस पर भरोसा और यकीन ना कर उसकी मोहब्बत को दागदार जरूर किया है। तुम तो शादी करके बैठ गए, लेकिन वो आज भी अपनी सच्चाई और अपना पाक दामिन साबित करने के लिए मेरा हाथ थामने से इनकार कर दिया है। मैंने शांति से मंगनी जरूर की है, लेकिन मैं आज भी मोहब्बत सबीन से करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन काश तुमने इश्क के साथ साथ सबीन पर एतमाद और भरोसा भी किया होता। अगर देखा जाए तो हम तीनों ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई कीमत लगाई, लेकिन यह भूल गए कि इश्क बराए फरोख नहीं होता। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार तो करो, कोई तो बात करो मुझसे। इस तरह खामोश रह के मुझे सजा मत दो। मैं तो तुम्हें पता नहीं इस घर में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ।
और तुम मुझसे बात करने का बोल रही हो। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? ठीक है, मैं तुम्हें सबीन से छीनना चाहती थी, लेकिन क्या मैंने कहा था उसे कि वो रात को शाहजहान के फार्म हाउस पे जाए? और तुमने खुद उसे वहां देखा था। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चेहरे पे जरा शर्म नहीं है सोबिया। मैं जान गया हूं कि वो कहां क्यों गई थी, और तुम ये बात मुझसे अच्छी तरह जानती हो, और तुमने फिर भी मुझसे असल हकीकत छुपाई। अरे वो तो मोहब्बत में अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गई थी, मगर तुमने क्या किया? सबीन ने सच्ची मोहब्बत की है मुझसे। मैं भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, आजमा कर देख लो, जान दे दूंगी मैं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी भलाई सोची जाती है, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी जाती है। तुम मोहब्बत तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं हो। तुम आस्तीन में छुपा सांप हो, अपनी नाम निहार दोस्ती का ढोंग रचाकर तुमने उस मासूम की मोहब्बत का कत्ल किया है। मैं इस बोझ को लेकर जिंदा नहीं रह सकता सर, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया मुस्तफा को। सही कहती थी तुम, इश्क बराए फरोख नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के बाजारों में दुकानें सजी होती जिन पर लिखा होता इश्क बराए फरोख नहीं। झूठ नहीं इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बराए फरोख्त नहीं। सकीना जरा अच्छी तरह से लाइट्स चेक कर लेना, मैं सोने जा रही हूं, कल भी एक लाइट खुली रह गई थी। ऐसे रोज रोज नहीं होना चाहिए, जाओ। सबीन बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? पप्पू मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके साथ सो जाऊं? मेरा बच्चा। हाँ बेटा जरूर सो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा बच्चा हाँ, मेरे कमरे में। बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है, अलबत्ता कमजोरी काफी है आपको, लगता है आप सोचती बहुत ज्यादा हैं। साहिरा डॉक्टर, सोच के बगैर तो जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ती। गुड आंसर, लेकिन ये एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, जब भी सर में दर्द हो आप इसे ले लें। सिस्टर आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और ये इंजेक्शन भी लगा दें। जी, कुछ टेस्ट भी मैंने लिखे हैं जिसकी तैयारी अभी कर लें, और मैं भी आती हूँ। आप आ जाएं मेरे साथ।
शुक्रिया डॉक्टर, मैं तो टेंशन में आ गया था। टेंशन अभी खत्म नहीं हुई शाजन साहब। क्या मतलब? सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं, मेरे ख्याल से कुछ टेस्ट करवा लें तो ज्यादा बेहतर है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। मैं समझा नहीं डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मगर टेस्ट करवाना जरूरी है, इसीलिए मैंने साथ के साथ ब्लड टेस्ट भी लिख दिए, और अगर ब्लड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया तो MRI भी करवानी पड़ेगी। ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है? ये तो रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। शाज़ैन, कुछ कहा तुमने? अभी तो सिर्फ नाम पुकार। क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने कुछ खतरनाक कह दिया है मेरे बारे में, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सोचा था कि आज तुम पहली बार इस तरह मेरे साथ कहीं बाहर निकले हो। सोच रहा हूँ ऐसे सीन लम्हे को जाया नहीं करना। क्या मतलब? कहीं बैठ के हम कुछ खा भी सकते हैं, कॉफी या लंच। ठीक है। सबीन को शायद कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए काफी टेस्ट भी करवाया उसने, इसी बात को लेकर बहुत परेशान है। टेस्ट करने का ये मतलब तो नहीं कि जो डॉक्टर सोच रहा हो वही हो? और इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर जो सोच रहा है वैसा ना हो और सबीन को कुछ ना हो? जी जी डॉक्टर साहब, टेस्ट रिपोर्ट आई जी। सब खैरियत? शाजन साहब, बेहतर होगा आप यहाँ आ जाएं ताकि डिटेल में बात हो जाए। डिटेल से? इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना, आप यहाँ आ जाएं, फिर तफसील से बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस मिलने के लिए बुलाया उसने। मिलने के लिए बुलाया तो जरूर कोई संजीदा मामला होगा। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। इसका इलाज? इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है, जब भी मुझे आपको यहाँ बुलाकर बताना पड़ा शाजन साहब। मेरी समझ से बाहर है कि बिना किसी हिस्ट्री के ये अचानक ब्रेन ट्यूमर इन्हें कैसे हो सकता है। किसी भी ट्यूमर को बनने में कुछ वक्त तो लगता है, मगर इनका ट्यूमर इतनी तेजी से बढ़ा है कि ये इस वक्त आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर, कुछ तो हो सकता है, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिकेशन, दुनिया के किसी हॉस्पिटल में तो उसका इलाज होगा। डॉक्टर, मेरे पास बहुत पैसा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जो भी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, मैं सबीन को वहां पे लेके जाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। आप रेकमेंड करें प्लीज। मैंने आपसे कहा ना शाजन साहब, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटलाइज करवा दें, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनका ट्यूमर बढ़ता जा रहा है और इस वक्त ये आखिरी स्टेज पर है, और इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत जरूरी है। हेलो बेटा। हेलो मामा, सबीन कहाँ है? वो तो मुस्तफा से मिलने गई है। मुस्तफा से? सोबिया आई थी, बहुत गुस्से में थी। सबीन की सोबिया के साथ बात हुई और फिर वो मुस्तफा से मिलने चली गई। मामा, आपने जाने क्यों दिया उसे? हाँ बेटा, रोकना तो चाह रही थी, आज सुबह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो पता है बात बात पे चिढ़ जाती है। मैंने कहा फिर बुरा ना मना ले, लेकिन
बात क्या है शाहज़ैन? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, सबीन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? करा के बताऊंगा आपको। अदाफिस। अब मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती सबीन, क्योंकि अब मुस्तफा तुम्हारे इश्क के काबिल नहीं रहा। मुस्तफा का इश्क सबीन के इश्क के आगे बहुत छोटा रह गया। मैंने बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है ना तुम्हें, और उसका अजाला मैं सिर्फ इस तरह कर सकता हूं। मैं तुम्हें हमारी मोहब्बत की हर कसम, हर वादे से आजाद करता हूं, ताकि तुम शाहज़ैन को खुले दिल से अपना सको। क्योंकि एक शाहज़ैन ही ऐसा शख्स है जो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत दे सकता और जिसके साथ तुम खुश रह सकती हो। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो मुस्तफा? तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करके वक्त आने पर पीछे हट जाता है, और दूसरा अपनी अना की खातिर मेरी मोहब्बत की कीमत लगाता है, मुझे सारी दुनिया के सामने बदनाम किया जाता है, बिना कोई गुनाह किए मुझे गुनहगार बनाया जाता है। दोनों उसकी तलाफी की खातिर बिना मेरी मर्जी, बिना मेरी राय जाने अपना अपना फैसला सुना देते हैं। मैं पूछती हूँ, किसने तुम दोनों को हक दिया है मेरी जिंदगी का फैसला करने का? जब चाहे उसे बर्बाद कर दो, जब चाहे उसे संवारने का तैयार कर लो। मैं कोई खेल हूं, मजाक हूं, क्या हूं मैं? कभी कोई मोहब्बत के नाम पे डील करता है मुझसे तो कभी कोई मोहब्बत के नाम पे जलील और रुस्वा करके मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देता है, तो कभी किसी की मांगता मेरी जिंदगी की खुशियों के साथ खिलवाड़ कर देती है। मैं कोई रूई की गुड़िया या फिर मिट्टी का पुतला नहीं हूं, मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मैं भी सोच समझ सकती हूं मेरी जिंदगी में कौन आएगा और कौन जाएगा, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम या शाहज़ैन नहीं। सबीन, क्या हुआ? सबीन, 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 आप परेशान ना हो, सबीन ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, आप फिकर मत करें। शाहज़ैन साहब पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं। अब ये क्या कह रहा है? सबीन ठीक है अब्बा? Thank you.
फिक्र मत करो तुम, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। झूठी तसल्ली दे रहा है मुझे, मैं जानती हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इतना वक्त भी नहीं है कि मैं आपकी और शांति की शादी देख सकूं। अगर मैं जाने से पहले आपसे इकरार करना चाहती हूँ कि सच कि मुस्तफा मेरे पास लौट आए थे, अगर ये भी सच है कि मैं मुस्तफा के लिए अपनी मोहब्बत के दरवाजे बंद कर चुकी थी, अगर मुस्तफा के बाद मैंने अपने दिल में किसी के लिए मोहब्बत महसूस किया तो वो सिर्फ आप है शाज़ा। काश आपके लिए ये मोहब्बत का एहसास मुझे पहले हो जाता। मैं एक बार अपनी मोहब्बत हार चुकी, दूसरी बार अपनी मोहब्बत कैसे हार सकती। अगर लगता है मोहब्बत की तरह जिंदगी भी मुझसे लूट गई। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जब मुझसे दूर जाना ही था तुमने, फिर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान क्यों लिया तुमने? क्यों शांजे से शादी की शर्त लगाई तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बोलो। एक बात तो तय है सभी, मैं शांजे से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, इतना बड़ा दिल नहीं मेरा। समझ गए शाजा, मैं शांजी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आप शांजी से शादी करेंगे? मुस्तफा, शायद हमारी मोहब्बत का सफर उतना ही लिखा था। अगर मैं जाने से पहले तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ, तुम सूबिया को तलाक नहीं दोगे? वादा करो। सबीन, डॉक्टर, सबीन, डॉक्टर, क्या हुआ? Sorry. She's no more. दस साल हो गए सबीन को गुजरे, और उतने ही साल पहले मुस्तफा इटली गया था।
मैं रोजाना सर धज कर उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। सबीन के कहने पर तलाक तो नहीं दी उसने मुझे, महीने में एक फोन भी करता है ताकि सबीन की ख्वाहिश के मुताबिक ये रिश्ता कायम रहे। सबीन तो एक ही दफा मरकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं हर रोज लम्हा लम्हा मरती हूँ। काश काश कि मैं उस वक्त समझ जाती कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। शाहज़ैन ने इश्क को पैसों से खरीदने की कोशिश की और मैंने अपनी नफरत, ख्वाहिश और जज्बात से, मगर ये भूल गए, ये तो दिलों का सौदा है। पता नहीं लोग तो मोहब्बत में बेवफा क्यों करते हैं, ये जानते हुए कि इश्क बराए फरोख्त नहीं।